जन्म तो लैके मरण तक वख-वख समागमां दौरान वरतों विच आउण वाले फुल्लां दे उत्पादक कोरोना महामारी करके लगे लॉकडाउन दौरान होई फुल्लां दी भरपूर फसल ना विकण करके डाढे परेशान हन। कस्बा जमशेर खास विच पिछले 15 सालां तों 4.5 एकड़ विच फुल्लां दी काश्त कर रहे किसान हरविंदर सिंह दा कहना है कि करफ्यू कारण बंद वख-वख समागमां करके उन्हां नूं बहुत वड्डा नुकसान झलणा पै रहा है। उन्होंने कहना है कि हर महीने 70 तो लैके 90,000 रुपए प्रति महीना फुलां दी काश्त तो आमदनी हो जाती सी। गुलाब के फुल 80 तो लैके 300 रुपए प्रति किलो थोक विच विकते हैं, जदों कि रिटेल विच 400 तो लैके 500 रुपए प्रति किलो विकते हैं। उन्होंने कहना है कि त्रासदी यह है कि फुलां नूं स्टोर नहीं किया जा सकता। उन्होंने कहना है कि सरकार फुल उत्पादकों लिए कोई राहत भरिया पैकेज ऐलान करे, जिस कारण वो आर्थिक मंदहाली विचों निकल सकणगे। इस मौके पर होर किसानों का कहना है कि किसान तो पहला ही मरिया होया है। प्यारे दोस्तों, मैं इंद्रजीत सिंह शेरगल जमशेर खास तो इस वेले फुलां दे खेत विच खलोता हाँ, जो कि फुलां दा साडे जीवन दे विच बहुत ही महत्व है। जन्म तो लैके मरण तक धार्मिक खेत्र विच राजनीतिक खेत्र विच फुलां दी वक्री वक्री महत्ता है। इस वेले जो फुलां दे काश्तकार हन वह बहुत ही घाटे विच जा रहे हैं, जिस का कारण है पिछले लंबे समय तो महामारी का प्रकोप जो दुनिया पंजाब के लोग हिंदुस्तान के लोग और पूरी दुनिया के लोग चल रहे हैं। फुलां दा वह जिहड़ा खेत जिस विच आपां खलोते हाँ, जिथे खिड़े हुए फुल नूं तक के जदों भर जोवन ते हुंदा है ते जिथे जिमीदार दा चेहरा फुलां नूं देख के खिल जांदा है, उत्थे अज इस नूं देख के मुरझा रहा है, क्योंकि फुल खेत विच कर रहे ने। और मंदिर ते गुरुद्वारियां विच धार्मिक स्थानां ते जिथे जिथे धार्मिक खेत्र विच फुलां दी वरतों हुंदी है, वह अज इस लॉकडाउन दे चलदियां बंद आ, इस दी मंग घट है। और जो कि जिमीदार दे खेत विच पैदा होण वाला फुल मंत्रियों के मेजा के गुलदस्ते का शिंगार बनता है, वह भी फुल जिहड़ा अज घट जा रहा। असीं सरकार तो मंग करते हैं और निम्रता सहित के जो जिमीदार काश्तकार फुलां की खेती करने वाले ने उन्हां वल विशेष तौर पर इन्हां दी तकलीफ नूं समझदे हां ध्यान दिता जाए। असीं धन्नवादी होवांगे। वह फुल जिहड़े ने जिंदगी दे विच वक्री वक्री महत्ता रखते हैं, फुलां दा काश्तकार अज घट जा रहा है। ठीक है जी। सर ये जी जदों तो ही लॉकडाउन होया हैगा या सारिया मार्केट्स बंद हो चुकी है, साडे फुलां दी जिहड़ी रोज़ सप्लाई जा रही सी वह बंद हो चुकी हैगी है, तो उदों तो ही मंदा ही चल रहा है जी। बिल्कुल भी फुल कितने भी मार्केट कोई ओपन ही नहीं हैगी, वेचना भी कितने है, तो उदों तो ही सानू तकरीबन 1.5 महीना हो गया जी फुलां दा जिहड़ा है सारा कारोबार साडा ठप्प होया पिया। 15 सालों तो गुलाब की खेती करता आ रहा है, तो आ करोना महामारी करके जदों तो लॉकडाउन होया है साडा बहुत ही ज़्यादा नुकसान हो रहा है। तो मेरे को जिहड़ा गुलाब लगा होया 12 मासी गुलाब है और 12 महीने ही ये गुलाब के फुल साडे विकते है। ये जिहड़े फुल है जन्म तो लैके मौत तक हरेक दिन त्यौहार पर यह फुलां की भरपूर मंग रही है, पर जदों तो लॉकडाउन होया है ये काम बिल्कुल बंद हो चुका है। मार्केट्स मंदिर गुरुद्वारे धार्मिक स्थान सारे बंद है। तो मे बी ये लॉकडाउन साडा 21 तरीक नूं लगा सी, 25 तरीक तो नवरात्रे शुरू होंदे सी जिहदे विच इन्हां फुलां की बहुत ही ज़्यादा मंग रही सी, तो उस करके ये बिल्कुल ही इस वेले मंग जीरो है। तो फुल खेतां 'च ही लगे इदां ही गिरी जा रहे हैगे आ, और एक फुल है भी इदा कि इहनूं असीं संभालिया भी नहीं जा सकदा, ना ही स्टोर किए जा सकते हैगे आ, ते साडा बहुत ही ज़्यादा नुकसान हो रहा। तकरीबन साढ़े को 4-4.5 एकड़ गुलाब लगा हुआ है, तो मंथली जेकर गल की जाए तो 70 तो 80,000 रुपए का साडा पर मंथ नुकसान हो रहा है।